हूँ आपकी होस्ट अलका और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। और नेक्स्ट नाइन न्यूज़ में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक खास प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे सायरा बानो के बारे में। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज करने वाली चुलबुली एक्ट्रेस सायरा बानो का आज जन्म है। 23 अगस्त 1944 को उनका जन्म मसूरी में हुआ था। जब भी सायरा बानो की बात आती है तो दिलीप कुमार के साथ उनकी मोहब्बत के चर्चे हमेशा छिड़ जाते हैं। सायरा बानो के जन्मदिन के मौके पर आज हम उनकी जिंदगी से जुड़े ऐसे ही कुछ किस्सों के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से सायरा बानो को हमेशा याद किया गया। मगर वैसे अगर सायरा बानो की बात की जाए तो सायरा बानो अपने टाइम की टॉप एक्ट्रेस मानी जाती थी। जी हाँ, उनकी खूबसूरती पर अमूमन हर कोई फिदा था, लेकिन उनका जो दिल आया वो थे दिलीप कुमार, और दिलीप कुमार भी सायरा बानो को दिल दे बैठे। जी हाँ, इनकी लव स्टोरी से लेकर सायरा बानो की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे ही किस्सों के बारे में आज हम अपने इस प्रोग्राम में बताने जा रहे हैं। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आइए नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट पर। अपनी खूबसूरती और एक्टिंग से हर किसी के दिल पे राज करने वाली एक्ट्रेस सायरा बानो का जन्मदिन। आपको बता दें कि सायरा का जन्म 23 अगस्त 1944 को मसूरी में हुआ था। जब भी सायरा बानो की अगर बात की जाती है तो सबसे पहले उनका जो जिक्र होता है वो दिलीप के साथ होता है। जी हाँ, दिलीप के साथ उनकी मोहब्बत के चर्चाएं जरूर छिड़ जाते हैं। सायरा बानो की जन्मदिन के मौके पर आज हम उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिनसे शायद आप अनजान होंगे। आज उनसे जुड़ी कुछ खास बातें शेयर करेंगे उनके जन्मदिन पर। जी हाँ, ऐसी कुछ बातें जिन्हें लेकर कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हुई, तो वहीं सायरा की जिंदगी सुर्खियों में भी आ गई। तो चलिए आप सभी को बताते हैं। सायरा बानो की प्रोफेशनल जिंदगी जितनी बेहतर थी उतनी ही दिलचस्प उनकी असल जिंदगी भी रही है। किसी ने क्या, खुद सायरा ने भी नहीं सोचा था कि 22 साल की उम्र में वो अपने से दोगुने बड़े सुपरस्टार दिलीप कुमार के प्यार में पड़ जाएंगी। जी हाँ, वो उनसे बेपनाह मोहब्बत करने लगेंगे। वो कहते हैं ना कि प्यार अंधा होता है, और सायरा और दिलीप के केस में भी बिल्कुल यही चीज साबित हुई। वैसे तो सायरा दिलीप की बचपन से ही फैन थी। जी हाँ, सायरा दिलीप कुमार को बचपन से ही पसंद किया करती थी। कहा तो ये भी जाता है सायरा बानो ने दिलीप कुमार को देखते हुए ये बात तय कर ली थी कि वो शादी करेंगी तो सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार से करेंगी। जी हाँ, अगर वो दुल्हन बनती है तो दुल्हे राजा का नाम सिर्फ और सिर्फ दिलीप कुमार ही होगा, और वो किसी और से शादी नहीं करेगी। आप सभी को बता दें कि दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे पुरानी जोड़ियों में से एक है। सायरा बानो ने 1966 में 22 साल की उम्र में दिलीप कुमार से शादी कर ली थी। उस समय दिलीप कुमार 44 साल के थे। दिलीप कुमार को अपने और सायरा की उम्र के फासले का ख्याल था। उन्होंने शादी की जिद पर अड़ी सायरा से शादी से पहले एक दफा कहा था कि तुम मेरे सफेद होते बालों को तो देखो। इस पर सायरा ने ऐसे जवाब दिया कि दिलीप कुमार के पास कोई जवाब नहीं था। जी हाँ, दिलीप कुमार ने ये जैसे ही बोला कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरे सफेद बालों को तो देखो जरा, तो इस पर सायरा ने बहुत ही प्यारा जवाब दिया था। बता दें कि आखिरकार दोनों की शादी हो गई और दोनों एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंध गए। शादी में एक बार कड़वाहट भी आई, जहां इन दोनों के रिश्ते को लेकर कॉन्ट्रोवर्सीज भी खूब हुई, खूब विवाद हुए। दरअसल साल 1980 में जब दिलीप कुमार ने दूसरी शादी की थी, तो यही वो वक्त था जब चर्चाएं होने लगी कि सायरा बानो दोबारा माँ नहीं बन सकती। जी हाँ, कहा जाता है कि बच्चे की चाह के लिए, सिर्फ और सिर्फ बच्चे के लिए दिलीप कुमार ने आसमां से दूसरी शादी की थी। इस शादी से सायरा बानो बुरी तरह से टूट गई थी। कहा ये भी जाता है कि सायरा
ने काफी दिलीप कुमार को रोकने की कोशिश की, लेकिन दिलीप कुमार बच्चे की चाह में पागल थे, इसलिए उन्होंने आसमा से शादी कर ली। आप सभी को बता दें कि ये शादी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। जी हाँ, साल 1983 में आसमा और दिलीप के बीच तलाक हो गया। आप सभी को बता दें कि सायरा बानो और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं है। इसका जवाब दिलीप कुमार ने अपने ऑटोबायोग्राफी में दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि सच्चाई ये है कि साल 1972 में सायरा बानो पहली बार प्रेग्नेंट हुई थी। 8 महीने की प्रेगनेंसी थी वो। 8 महीने की प्रेगनेंसी में सायरा को ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई और इस दौरान सर्जरी करना भी बिल्कुल मुमकिन नहीं था और इस दौरान उनका मिसकैरेज हो गया। आप सभी को बता दें कि बाद में पता चला उन दोनों को कि सायरा एक बेटे की मां बनने वाली थी और इस घटना के बाद ये भी बात सामने आई कि सायरा इसके बाद कभी प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकती। आप सभी को बता दें कि एक इंटरव्यू के दौरान सायरा बानो ने बताया था कि दिलीप कुमार को वो तब से चाहती थी जब वो 12 साल की थी। साल 1992 में रिलीज हुई दाग में दिलीप कुमार को देखते ही देखते उन्हें उनसे प्यार हो गया। जी हाँ, वो दिलीप कुमार को दिल दे बैठी। वहीं एक बर्थडे पार्टी के दौरान दिलीप कुमार का दिल सायरा बानो पर आया था और बता दें कि इस जोड़ी की शादी को करीबन 50 साल हो चुके हैं और ये दोनों आज भी एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, सायरा और दिलीप की जोड़ी को मिसालें दी जाती हैं। आप सभी को बता दें कि जब भी कोई मौका होता है तो ये साफ साफ देखने को मिलता है कि सायरा और दिलीप आज भी एक दूसरे से पहले की तरह बेपनाह मोहब्बत करते हैं। जी हाँ, उनके बीच का जो प्यार है आज भी साफ साफ नजर आता है। जिस तरह से सायरा बानो दिलीप कुमार की केयर करती है और साथ ही साथ बात करे दिलीप कुमार की, तो दिलीप कुमार की तरफ से भी सायरा बानो को हमेशा ही प्यार मिला, जो कि पब्लिकली देखने को भी मिला। था सायरा बानो की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे किस्से जिनके बारे में शायद आप अनजान होंगे। सायरा बानो की अगर बात की जाए तो सायरा बानो, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बचपन से ही दिलीप कुमार को दिल दे बैठी थी, लेकिन उन्हें क्या पता था जिस एक्टर की वो इतनी बड़ी फैन है वो ही उनसे वो शादी कर लेंगे। वाकई इसे ही कहते हैं सपना साकार होना, जो कि सायरा बानो का हुआ। जो उन्होंने खैर ये बात तो कभी सपने में नहीं सोची थी कि वो दिलीप कुमार से शादी करेंगी, लेकिन दिल ही दिल में एक फैन के नाते ही सही, लेकिन वो दिलीप कुमार से मोहब्बत जरूर करती थी। पहले आपको बता दें कि एक ऐसा टाइम भी था जहां सायरा बानो और दिलीप कुमार की जोड़ी को काफी पसंद किया गया। एज अ कपल उन्हें फिल्मों में काफी पसंद किया जा रहा था। जी हाँ, और ये रियल लाइफ जोड़ी एक रियल लाइफ जोड़ी बन गई और हर जगह खुशियां ही खुशियां फैल गई जब सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी के बारे में सबको पता चला। और आज भी सायरा बानो और दिलीप कुमार एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सायरा हर एक मौके पर दिलीप को सपोर्ट करती हुई नजर आती हैं। तो ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम बर्थडे स्पेशल, जिसमें हमने बात की सायरा बानो के बारे में। कल फिर लेकर आऊंगी एक ऐसा ही खास शो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मुझे दे दीजिए इजाजत। अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में हमसे जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बता सकते हैं। इसके अलावा मेल भी कर सकते हैं nexttimenewscomment@gmail.com पर। लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।